राजधानी के बापू सभागार में एकम के द्वारा 21 मई को मुक्ति गुरु श्री रीता जी और श्री कृष्ण जी के द्वारा एक्सपीरियंस एनलाइटमेंट शुरू किया जा रहा है। उसके बाद 2022-23 में दुनिया के 6 महाद्वीपों में विश्व यात्रा की जाएगी। इस मुक्ति दीक्षा कार्यक्रम में और भी मुनि शामिल होंगे। 21 मई को बापू सभागार में दोपहर 3 बजे से 7 बजे के दरमियान एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट अर्थात मुक्ति का अनुभव इस विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये एकम की आयोजन होगी जिसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से लोग बिहार में आएंगे। जो बिहार के पटना के खास करके लोग हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। ये प्रक्रिया संपूर्णतः मुक्ति से संबंधित है। मुक्ति एक ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति को खुद से और सबसे जोड़ने वाला या एकत्व की एक सुंदर स्थिति देने वाला अनुभव है, जहाँ पर आप एक शांति की गहरी स्थिति में, एक अवस्था में रहते हुए, एक सुंदर अवस्था में रहते हुए जीवन को जी पाते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर श्री कृष्णा जी और श्री प्रीता जी, जो स्वयं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे, आप दोनों पटना पहली बार आने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ पर खुद कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब हम सोचेंगे कि बिहार में पहली बार और इतने दूर से आ रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है। यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूरी पर मुक्ति का एक ऐसा शक्तिशाली धाम है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और भगवान बुद्ध की महिमा या उनकी स्थिति के बारे में पूरी विश्व जानती भी है। तो ऐसे इस पावन स्थान से एक बहुत बड़ी 2 वर्ष की एक यात्रा पूरे विश्व के लिए करने जा रहे हैं हम सभी एकम से, जहाँ पर श्री कृष्णा जी और प्रीता जी 5 महाद्वीपों में यात्रा करते हुए इस मुक्ति की शक्तिशाली अनुभव को समूचे मानव जाति को देने जा रहे हैं। तो इस अनुभव के नींव जो है या इसकी का शुभ प्रारंभ जो है ये पटना से बिहार से होने जा रही है, इसलिए खास रूप में बिहार में ये कार्यक्रम की आयोजन की जा रही है। जी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए। तो ये प्रीता जी और कृष्णा जी को हिंदी आती है? जी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रमाण में प्रयोग अंग्रेजी का होता है। तो हिंदी में ये पूरा कार्यक्रम अनुवाद किया जाएगा। आप हैं रोमा जी जो हमारे साथ एक कम में साथ फैकल्टी हैं, उमा उनका हम पूरा क्या कहते हैं इंचार्ज हैं, इंचार्ज कह सकते हैं। आयोजन हमने किया है और हमारे लिए सहायता करने के लिए श्री रोमा जी उपस्थित हैं। आप मतलब पूरा नाम ही रोमा है, नाम वाले को दिक्कत होती है सुनते हैं केवल आद्या जैसे है तो अभी तक तो नहीं हुआ कभी। अच्छा नहीं, तो क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं सुनते आद्या जी।